हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रिस्पी चिकन फ्राई कैसे बनाएं मेरे तरीके से। तो आइए देखते हैं हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे चिकन। ये मैंने 1.25 किलो तक का चिकन लिया हुआ है। तो अभी हमें इसके अंदर सबसे पहले करना है नींबू ऐड करेंगे। नींबू हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर जो है इसकी जो स्मेल होती है वो सब हमें वो स्मेल ना आए। और इसके अंदर जब हम खाएंगे इसको तो एक फ्लेवर आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम नींबू ऐड करेंगे। नींबू ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें हमने मसाले डाल लिए हैं। इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैंने सूजी लिया हुआ है, इसे हमारा एक्स्ट्रा क्रंची चिकन फ्राई बनेगा। यह है कॉर्नफ्लावर आटा। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे दही। और स्वाद अनुसार नमक। तो अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। इसे हमने मैरिनेट कर लिया है। अब इसको आधा एक घंटा छोड़ देना है। जितना देर ये मैरिनेट होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें और मसाले मिक्स हो जाएंगे और चिकन में जो हमारे मसाले हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अभी इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो इसको अभी हमने एक घंटा मैरिनेट कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। एक बर्तन में आपको ऑयल ले लेना है। देन आपको पीसेस लेके आप लो फ्लेम पे रखिएगा। अभी जब तक का इसको 5 मिनट तक अभी कुछ छूना नहीं है। अगर आप ऐसा तो टच करोगे तो जो मसाला हमारा उसके ऊपर लगा हुआ है वो निकल जाएगा, तो चिपका हुआ नहीं रहेगा उसके ऊपर। तो उसे हमें पहले पकने देना है। और फ्लेवर के लिए हम इसमें एक हरी कटी हुई मिर्च और कड़ी पत्ता ले लेंगे और उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप दूर से डालिएगा, छिट्टा हो सकता है। अब जो है हम चिकन को देख सकते हैं। अब इसे हम इसे हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर सकते हैं।
देखिए हमारा मसाला वैसे ही वैसा चिकन पे लगा हुआ है। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कितना क्रंची हुआ है। देखिए आवाज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।